गुरुभ्यो नमः ॐ गं गणपतये नमः ॐ हुं हनुमते नमः ॐ द्रं रामाय नमः ॐ मातेश्वर्ये नमो नमः ॐ मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमो नमः मकर राशि कुंभ राशि मीन राशि इनको शनि के साढ़े साती का इतना दंड मिलने के पीछे क्या रहस्य है और ये सारे कभी कभार जो आज के डेट में भी मकर राशि का तृतीय चरण होने के बावजूद भी कुंभ राशि का द्वितीय चरण होने के बावजूद भी धनु राशि का साढ़े साती हट जाने के बावजूद भी ऐसा क्यों परिस्थिति बन रहा है कि ये लोगों को कभी कभार डिप्रेशन कभी कभार तनाव कभी कभार काम नहीं करने का प्रचंड इच्छा और तनाव मन में डिप्रेशन ऐसा क्यों लग जाता है और कैसे यहाँ से ये लोग बाहर निकल सकते हैं इसके ऊपर एक सामान्य आलोकपात। सबसे पहला जो बेसिक कारण है उसमें मैं कई सारे वीडियो में बताया हूं कि ग्रहों ग्राहिक ऊर्जा हमारे शरीर में मन में प्राण में हमारे अंदर स्टॉक होना और उसका मात्राधिकता रहना एक तो जन्म से होते होते आया है और एक ड्यू टू ग्रह चलन गोचर के कारण हमारे अंदर इस प्रकार के भिन्न भिन्न पारिसामयिक पारिस्थातिक जो स्टॉक्स बनते हैं लेकिन ये उतना इफेक्ट नहीं डालते। ये 60 साल पहले 70 साल पहले और 100 साल पहले भी था लेकिन अभी क्यों हो गया अभी ऐसा क्या परिस्थिति सृष्टि हुआ जिसके लिए आप हम सबको इस प्रकार के कष्टों को झेलना पड़ रहा है और अति मात्रा में झेलना पड़ रहा है जिससे लगता नहीं। कभी कभार ऐसा कंडीशन बनता है जो मकर कुंभ मीन वाले आत्महत्या कर लेंगे नहीं सहन हो सकता है ऐसे चलेगा या कब तक सुधर जाएंगे और हालत कभी सुधरेगा कि नहीं या ऐसे हमारा जिंदगी चलता रहेगा और इस प्रकार का हम लोग भयंकर लॉस सहते रहेंगे और हमारे जिंदगी में परेशानी ऐसा कभी पीछा छोड़ेगा नहीं। नेचुरली दुख बहुत देर तक लगता है सुख जल्दी चला जाता है। दुख हालांकि कम समय में रहता है लेकिन जो दुख का घड़ी है जल्दी नहीं गुजरता हमारे जिंदगी से जिसके लिए हमारे अंदर इस प्रकार का परिस्थिति भयंकर रूप में बिल्डअप होता है और हम लोग इसमें पस्त हो जाते हैं तनावग्रस्त हो जाते हैं और ऐसे कंडीशन जब हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है तो फिर हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अब प्रश्न होगा क्या ये सब नेचुरल है? नहीं, नेचुरल नहीं है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसे अगर हो रहा है तो इसे निजात पाने का क्या रास्ता है? कई सारे रास्ता बताया हूं जिसमें आप लोग अपने शरीर का शुद्धि करेंगे मन का शुद्धि करेंगे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे। जनरली लोग बोल देते हैं हनुमान चालीसा कर लो पीपल गज को सींच दो शनि बाबा को तेल डाल दो तेल अभिषेक कर लो छायादान कर लो लेकिन फिर भी कंडीशन जैसा को तैसा रहता है और हम लोग वहां से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसके पीछे जो समसामयिक समस्या और उसका निदान और उसका उससे बाहर निकलने का जो तरीका है उसके ऊपर हम लोग अगर आलोकपात करते हैं तो सबसे पहला विषय यहां पर आके होता है। मैं एकदम टू द पॉइंट अगर आता हूं सर्वप्रथम तीन गुण होते हैं। तीन गुण हमारे अंदर मनुष्य के अंदर रहते हैं और वो सात्विक राजसिक और तामसिक। सात्विक को टॉप में रखा गया राजसिक को मध्य में रखा गया और तामसिक को नीचे ग्रेड में रखा गया। अब सात्विक राजसिक तामसिक को मैं आपको समझाऊं ये बड़ा पिकुलियर एंड थोड़ा सा बहुत लंबा हो जाएगा। ऑन द पॉइंट समझाता हूं। सात्विक गुण कैरेक्टर तो क्या बोलेंगे राम को बोलेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र को अगर पूरा अगर रामचंद्र भगवान को श्री रामचंद्र भगवान को अगर समझे तो समझना सात्विक गुण वाले एक पर्सनालिटी है जिसको हमें समझा जा सकता है कुछ हद तक कि ये सात्विक है। दूसरा विषय आता है
राजसिक को समझना। तो राजसिक कैरेक्टर, राजसिक चरित्र को समझना है तो हमें सीधा सीधा रावण को लाना चाहिए, रावण को समझेंगे। और तीसरा बनता है तामसिक कैरेक्टर। तामसिक कैरेक्टर को समझना है तो सीधा सीधा कुंभकर्ण को समझना, जो सोया रहता है, काम करना नहीं चाहता है, आराम फरोश है, आलसी है, कुढ़िया है, 6 महीना सोने वाला, 6 महीना उठने वाला। और हम सब उसी ग्रेड में आते हैं, 6 महीना, एक 365 दिन का रात, 365 दिन का दिन, तो 6 महीना सोते हैं, 6 महीना जागते हैं। और रावण को समझते हैं तो बहुत सारा काम करने वाला, बहुत सारा प्लानिंग करने वाला, बहुत सारा टारगेट अचीव करने वाला, प्रोग्राम प्लानिंग करने वाला, समुंदर को मीठा कर देंगे, स्वर्ग तक सीढ़ी बना देंगे, ऐसे बड़े बड़े सोच रखने वाला लेकिन नहीं करने वाला, कुछ और अलग चीज करने वाला, डाइवर्सन एनर्जी। तो ये तीन को समझने के बाद इनका ये गुण कैरेक्टर सबसे ज्यादा पेनफुल कौन सा है, तो वो है तामसिक गुण कैरेक्टर। जिसके शरीर में जितना ज्यादा तामसिक कैरेक्टर रहेगा, तो कैसे होता है और ये कहां से आता है। सबसे पहला गीत श्रीमद् भागवत गीता सप्तदश अध्याय नवम श्लोक पे हम लोग चलते हैं। तो बोलते हैं खट्वा लवण बना तृष्णा तीक्ष्णा रुक्ष विदाहिना आहार राजस श्रेष्ठा दुख शोक भय प्रदा। ये बात है राजसिक के लिए, जो राजसिक लोग कैसे रहते हैं, क्या उनका करेक्टर रहता है। और फिर बताया सात्विक के लिए क्या, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विका प्रिया। ये सात्विक कैरेक्टर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट है, बताता है कि नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, तामसिक। तो तामसिक कैसा, यातयामाम गतरसाम पुतीपयूषितम जयत उच्चिष्टमपि चामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। ये तीन सूत्र है जो 8, 9, 10 में बताया गया, 17 अध्याय में। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग क्लैरिफाई कर लेते हैं क्या है ये गुण कैरेक्टर धर्म और इनके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये देख लें कि श्रीमद् भागवत गीता जी में इस कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए क्या बताया गया। एक नंबर क्या बता रहे हैं कि सबसे पहला हम लोग बात करते हैं आयु सत्व बलारोग्य। मैं इसमें इतना ज्यादा मैं नहीं जाता हूँ, फिर लंबा हो जाएगा, पूरा प्रवचन हो जाएगा, एकदम टू दी पॉइंट में बात करता हूँ। जो लोग सात्विक कैरेक्टर वाले रहते हैं उनको कौन सा खाना पसंद रहता है या किस प्रकार का खाते हैं, ऐसा खाद्य जो आयु वृद्धि करने वाला, बल बुद्धि कर प्रदान करने वाला, आरोग्य प्रदान करने वाला, सुख प्रदान करने वाला, प्रतिवर्धनम रसयुक्तम स्निग्धम स्थिरम, और ऐसे जो मन को प्रिय और सात्विक गुण को वर्धन करने वाला आहार का प्रिय, मतलब फल फूल रसयुक्त मोह फल, कच्चा खाना, ऑर्गेनिक खाना, नेचुरल खाना, और शुद्ध नेचुरल देसी गाय का दूध, दही घी मक्खन मिश्री, फल देसी फल, ना कि विदेशी फल का रस, देसी फलों का रस, ऑर्गेनिक फलों का रस, ऋतुज फल का रस, ये हो। इसको और एक्सप्लेनेशन किया जाता है, किसी और वीडियो में करूंगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब सुनो, राजसिक लोग कैसे रहते हैं और उनका आहार कैसा रहता है और इनको क्यों दुख लगता है और मेंटल स्ट्रेस टेंशन इनको होता है, डिप्रेशन तामसिक बलों को होता है। तो वो क्या, सुनो, खट्वम मल वणा तृष्ण, ऐसे लोग खट्टे युक्त लवण वणा तृष्ण रुक्ष दहन करने वाला, रुक्ष विदाहिना जलनकारी, तीता खट्व नमकीन और उष्ण अतिराग और रुक्ष
दाहकारक जलनशील ऐसे भोजन करके आहार राजस सृष्टिया। तो ये लोग इस प्रकार का जो खाद्य खाते हैं उनके जीवन में क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, दुख चिंता तथा रोग राजस पुरुष राजस प्रिय, दुख बढ़ता है शोक बढ़ता है, दुख शोक और इनको चिंताएं बढ़ते हैं, तनाव बढ़ते हैं और जीवन में लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हो पाता है और ये लोग जिंदगी भर डाइवर्शन में जाते हैं, एक चीज में फोकस नहीं कर पाते हैं, माइंड बहुत फास्ट रहता है, क्रिएटिव हो नहीं पाते हैं, मिलता हुआ लक्ष्मी इनके जीवन से भाग जाती है और जीवन पे दुख शोक भय प्रदा जीवन में इस प्रकार का चीज बढ़ता है। तो एक तरफ शनि का साढ़े साथी, शनि का महादशा प्लस हमारा भोजन में अशुद्धि और राजसिकता, तो दुख मिलता है, शोक मिलता है, भय मिलता है, टेंशन मिलता है। तो भोजन जब तक शुद्धि नहीं करते हो तब तक शनि आपको छोड़ने वाला तो नहीं है। अब आखिरी बिंदु में हम लोग बात करते हैं तामस प्रिय, तामसिक लोग कैसे रहते हैं, क्या भोजन करते हैं, आप सुनो। तो सबसे पहला यात यामम, फिर क्या बोला, गत रसम उती पयूषितम जयत उच्छिष्टम पिचामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। तो जो तामसिक लोग रहते हैं उनको क्या क्या पसंद है, सबसे पहले अर्ध सिद्ध खाद्य, जो आधा पके हुए पूरा पका हुआ नहीं है, फ्रिज में रखा बाहर निकाल के खाया, और रस रहित सूखा ड्राई वाला, और जितने सारे पैक्ड फूड हड्डक बलगर पिज्जा चौमिन मंचूरियन चाय चाय समय दूर रखो, बीड़ी सिगरेट से शुरू करके जिस जिस में तेल का तला भुना और अति नमकीन बासी और जिसमें कोई आयु वर्धन नहीं है, जिसमें सात्विकता नहीं है, रसयुक्त नहीं है, ड्राई है और ऑयली है और हाईली नमकीन है, दूसरा क्या दुर्गंध युक्त माछ मछली अंडा छेला छेली गेंडा गेंडी मेंढा मेंढी मूसा मूसी और बासी, मतलब कब पैकिंग हुआ है, कब कंपनी से निकला है और उसको खाने के लिए ठंडा कोल्ड कोल्ड ड्रिंक्स कोल्ड पैक आइसक्रीम, और दूसरा क्या झूठा, जिस प्लेट में खा रहे हैं उसी प्लेट में होटल में झूठा जगह में खाएंगे, ठीक से साफ नहीं हुआ, ना गोबर दिया ना गंगा जल दिया, झूठा स्थान पे बैठ के खाएंगे, खटिया के ऊपर खाएंगे और झूठा उनको बड़ा पसंद है, मतलब उनको बोलोगे कि बढ़िया जगह में पानी पूरी खाओ, नहीं जहां कचरा होकर ऐसा ऐसा करके का उसी में जाके उनको बड़ा पसंद लगता है। और अपवित्र पवित्र भोजन नहीं होगा, अपवित्र भोजन होगा, भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, तुलसी वहां देंगे नहीं देंगे और उनको बलिवश्य नहीं करके खाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में जो अपवित्र भोजन उच्छिष्ट आहार प्रिया तामसी खाद्य इसको कहा गया। तो राजसिक और तामसिक ये दोनों कैरेक्टर जिनके अंदर में हाइपर कंडीशन पे है उनके जिंदगी में किम सुखम, उनके जीवन में कहां से सुख आने वाला है, किम लक्ष्मी, कहां से लक्ष्मी आने वाला है, और उनके जीवन में शांति कहां से शांति आने वाला है, उनके जीवन में क्यों उन्नति कहां से उन्नति आने वाला है, उनके जीवन में कहां से आध्यात्मिक विकास आध्यात्मिक तत्व उनको प्राप्त होने वाला है, उनके जीवन में कुछ नहीं होता। और ग्रह क्या करेंगे, ग्रह को दोष दे दे के कुंडली उंडली दिखा दिखा के पड़े रहते हैं, इनको लगता है कि कुंडली दिखा देंगे तो समाधान हो जाएगा, नहीं कुंडली से केवल हम लोग ये बता देंगे कि आपके कुंडली में ये दुर्योग है, इस प्रकार का आपको शनि का करना है, इस प्रकार गुरु का शांति करना है, इस प्रकार का ये करना है, ये नहीं करना है, ये मंत्र आपके लिए सुइटेबल है, ये यज्ञ आपके लिए सुइटेबल है, ये करोगे तो इजीली पहुंचोगे, वो रास्ता बताएंगे। लेकिन आपके शरीर में जो स्टॉक मॉर्मेट मैटर है तामसिक राजसिक आहार जिसको और खाते हो और पसंद करते हो, जिसका स्टॉक बॉडी में होना उसका परिणाम अति भयंकर होके दुख कष्ट रोग भय प्रदा श्रीमद भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान बताएं। तो आपको आज ये सब मिल रहा है क्यों, अलक्ष्मी दरिद्रता दुख भोग कौन किसके जीवन में, तामस प्रिया जिनको तामस भोजन करना है। तो बाबू लोग इसके ऊपर और विचार अगर चाहते हो तो फिर मेरे को बोलना और मैं इसके लिए स्पिरिचुअल गुरुकुल आध्यात्म गुरुकुल संजय जी 75 चैनल में गीता का व्याख्यान देते देते जा रहा हूं, तो उसको आप ढूंढ सकते हो और उसके ऊपर अध्ययन कर सकते हो। और ज्यादा जानकारी चाहते हो तो नीचे कमेंट में डाल देना कि हाँ इसके बारे में हमें ज्यादा चाहिए और
कैसे यहाँ से हमारे जीवन में आध्यात्मिक विकास हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, इसके बारे में आप हमें और मार्गदर्शन करें तो फिर मैं इसके ऊपर और बताऊंगा। अदरवाइज इतना ही काफी है, ये 3 बिंदु। एक आखिरी बिंदु है 8। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, जो लोग ज्योतिष साधना करना चाहते हैं और जो लोग ऑनलाइन भी सीखना चाहते हैं, तो उनका यहाँ पर आने वालों का जो 1 महीना का बेसिक ट्रेनिंग है या 6 महीना का ट्रेनिंग है, वो अपना व्हाट्सएप कर दें मेरे को और डिटेल अपना लिख दें कि ये कोर्स हमें चाहिए, बेसिक चाहिए, फंडामेंटल चाहिए, एडवांस कोर्स चाहिए, क्या क्या आपके पास नॉलेज है, क्या जानते हो, जो जानते हो। जो लोग अभी मेरे कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, जो नया ग्रुप आने वाले, पुराना ग्रुप खत्म हो गया तो नया ग्रुप में जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, पहले आप अपना डिटेल थेसिस लिख के दो कि आप कहाँ तक जानते हो। नेचुरली रुचि है, आपको सीखना है तो आप कहाँ तक जानते हो उसके ऊपर मुझे अपना रिपोर्ट बना के कम से कम 10-20 पेज में लिख के दो, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आपका यहाँ तक का है, इससे आगे आपको लेके जाऊंगा। नहीं तो सेम चीज रिपीट करके आपका भी टाइम बर्बाद नहीं करना, मेरे को भी टाइम बर्बाद नहीं करना। बेसिक कोर्स में हम लोग फोकस करके आगे चलेंगे। और दूसरा, जो लोग बेकार बेरोजगार हैं और अगर आने वाला समय में एग्रीकल्चर से, कृषि से रोजगार करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ प्राकृतिक कृषि, कॉम्पैक्ट फार्मिंग, कम जगह में ज्यादा उत्पाद, इवन इफ आप जो कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में जाके महीना 10-20-25-50 हजार रोजगार करते हो, किसी छत के ऊपर भी छोटा सा जगह है आपके शहरों में, वहां भाड़ा लेके भी आप गमला के अंदर, बहुत सारे ऐसे कृषि सिस्टम है जिसको आप कर सकते हो और लाखों रुपया कमा सकते हो, आराम से बैठ के काम कर सकते हो, जहां पर आपको मेंटल टेंशन नहीं है, बॉस का गाली सुनना नहीं है, घर द्वार अपना जमीन बाड़ी छोड़ना नहीं है, माता पिता का सेवा करते हुए उससे ज्यादा रोजगार कर सकते हो। क्योंकि आने वाला समय सबसे ज्यादा अगर महंगाई होने वाला है, भोजन के ऊपर ही मार पड़ेगा, तो अभी से अगर आप लोग इस फैक्टर पे ऊपर काम करोगे तो अपना जीवन का उन्नति कर सकते हो, बचा सकते हो। तो 1 महीना का कॉम्पैक्ट सीरीज कोर्स कृषि के ऊपर आ सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।